दरबार में प्लीज, जिनके पाँव में घुटने में दर्द है वो आराम से बैठे, बाकी सब नीचे आके बैठे, सभी आके बैठे। बोलिए श्याम प्यारे की, हाथों नरेश की, बहुत सारी बातें हो रही हैं। सोफे पर तो सब बिजी हैं। पिछले से पिछले वर्ष इस महान दरबार में मुझे मौका दिया था श्याम भैया ने, जहां मैंने एक देशभक्त गीत से प्रोग्राम की शुरुआत की थी मेरे दादा बाबा के चरणों में, उसका फल मुझे मिला और बताने में गर्व महसूस होता है। क्यों ना बताऊं, मेरे महाराज ने मुझ पर जो कृपा की है। युद्ध भूमि के देव से, युद्ध भूमि के देव से प्रभु से सिर्फ योद्धा मांगे थे, भगवान ने कृपा कर दी थी। इस पावन पवित्र भूमि पर, इस साक्षात दरबार में बोलिए बाबा भूतनाथ की। ओम नमः समझ में ना आए उसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने वाले को जितना फल मिल जाता है उतना लिखने और पढ़ने वाले को भी नहीं। कल रात तक हम महाराज से अपनी भाषा में कुछ ना कुछ वार्तालाप चर्चा करते रहेंगे, अपनी भाषा में। भगवान तो गूंगे की भाषा भी समझते हैं, एक रचना में भगवान को भगवान की भाषा में सुनाने की कोशिश। एक जयकार और लगा दिए, बोले शंकर भगवान की। जटा कवि गल जल प्रवाह पावत सले गले लंबे लंबे तंबु जंग तुंग मालिका टमट 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 टमन्ना फट मरवयम चकार चंड तांडव तनो तुन शिव शिव। जटा कटाह संभ्रम विलास बंधु बंधुर गंध संतति प्रमोद मान मान
सहस्रलोचन प्रवृत्ति शेष लेख शेखरे प्रसून धूल धोरणि विदूष राग पीठ भुजंग राजमालय निबद्ध जाट जूट सुनाऊं प्रेम की बात सुनाऊं क्योंकि मामला प्रेम का ही चल रहा है। देखिए मुझे तीन दीजिए तीन। लोग मुझे पागल कहा करते थे लेकिन अब मैं ठीक हो गया हूं। आपको बताऊंगा नहीं नहीं मैं ठीक हूं। भगवान ने मेरे दोनों बेटों पर जब से कृपा की है, बड़े बेटे को इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट बना दिया है, छोटे को इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बना दिया है, तब से ठीक हो गया हूं मैं। मेरे पागलपन पर रीछ कर महाराज ने मेरे 15 भजन में 21 वर्ष गुजार दिए। पता नहीं किस बात पर रीझ गया मुझ पर, कई जन्मों की कृपा इसी जन्म में मुझ पर, क्योंकि युद्ध भूमि का देव था। मैंने बताया युद्ध भूमि के देव से यही मांगा था मैंने, क्योंकि धन मांगने वालों की कतार तो सारे हिंदुस्तान के आखिरी कोने तक पहुंच गई थी। महाराज से काम की चीज मांगी मिली। अब मैं अपने पागलपन की बात सब जानते हैं। मुझे पहली बार कितने भजन भक्त सुन रहे हैं सुनाइए पहले बताइए, क्योंकि देखिए मुझे कलकत्ते में गाने में बहुत डर लगता है। आप लोग भगवान से सीधा डायरेक्ट प्रेम करते हैं। आप पहली बार कितने भजन सुन रहे हैं मेरा? पहली बार हाथ उठाइए क्या? पहली बार मुझे कितने भक्त सुन रहे हैं? ठीक है जी 11 से ज्यादा है पहली बार। मेरा बैठे बैठे हाल मौसम चेंज हुआ है, 4 लाइनें हनुमान जी मार के गए तो थोड़ी ताकत आ जाए। चार दिखा सुन लो मेरी पुकार। बुद्धि शक्ति
माता पिता। सुन लो मेरी पुकार, विनती मेरी बहने जो सोफे पर बैठी है, कम से कम हनुमान जी महाराज के भजन में बात ना करें, मेरे बाबा तो बड़े दयालु हैं और ये भजन सबको आना चाहिए, इस युग में सबको गाना चाहिए। ये दुख बन सुन लो पवन सुत एक युग त्रेता युग, भगवान घनश्याम का एक युग द्वापर युग। धन्य है हनुमान जी महाराज, चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युगों के स्वामी हैं। कह दीजिए
जपू निरंतर नाम तिहारा, अभी अभी आपने बाबा श्याम के साक्षात दरबार में ये शब्द कहे हैं कि जपू निरंतर, तो क्यों ना क्यों ना क्यों ना आज बहुत समय है हनुमान जी महाराज के 12 नाम मेरे साथ उच्चारण कर लीजिए। आज देखिए पिछले 12-18 महीने कैसे गए हैं, जिन्हें हम याद भी नहीं करना चाहेंगे, आने वाले 12 माह हमारे सुंदर जाए। हर नाम एक माह में काम करेगा। मेरे साथ नाम उच्चारण कीजिए, जयकार मत लगाइए, बोलिए हनुमान अंजनी सुत वायुपुत्र महाबल रामेश फाल्गुन सखा पिंगाक्ष अमित विक्रम उदधिक्रमण सीता शोक विनाशन लक्ष्मण प्राणदाता दश ग्रीव दर्पहा। जपू निरंतर नाम तिहारा, अब नहीं छोड़ू तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ू राम भक्त शरण में दीजिए राम, गाइए गाइए बाबा सागर से दार मनुष्य। अच्छा गा रहे हैं, एक बार और कहिए ना, ये दुख सुन लो मेरी पुकार को मंगल भवन दशरथ अजर बिहार राम 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 जाके से हाथ नहीं उठवाए हैं, नहीं ना, ना तो क्यों ना इस पावन भूमि जो मेरे बाबा श्याम का प्रिय प्रिय शहर है कोलकाता कलकत्ता, उनके उन भक्तों का आशीर्वाद एक बार तो लेना चाहूंगा। आधा घंटे में एक बार हाथ नहीं उठवाए हैं, उठाइए दोनों हाथ और मुझे हृदय से आशीर्वाद देते हुए कहिए राम जी से इतना प्रेम है। दो लाइन कह दो कह दो, अब तो सब काम हो गया। जिस दिन राम का भवन बन जाएगा, कोई राजनीति नहीं है, राम किसी राजनीति का विषय नहीं है। जिस दिन राम का भवन बन जाएगा उस दिन भारत में राम राज आएगा, माँ के लिए भगवान श्री राम के लिए एक हाथ स्वतः उठ जाना चाहिए। बोले जय श्री राम। इसके आ
गाऊंगा बात राजनीतिक हो जाएगी, इसके आगे नहीं गाऊंगा। बस एक चौपाई सुना दीजिए जो मेरे ठाकुर को अति 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 भाई साहब ने फरमाइश दी क्या चार दिखा रहा भाई साहब सुरूर। सुरूर के मायने नशा, मांगे महाराज से नशा, वो क्या पी जो रात को पी और सुबह उतर गई। दिल दिया है तो सुरूर भी दे दे, आंख दी है तो नूर भी दे। कभी कभी काम की चीज भी मांग लीजिए, माफ करना। देखिए मेरी बात से बुरा नहीं, कि दिल दिया है तो सुरूर भी दे दे, आंखें दी है तो नूर भी दे दे। एक एहसान और कर मेरे बाबा, हम भक्तों को देखने का शहूर भी दे दे।
बड़ा अच्छा सूत्र दे के जाना। कभी कभी एकदम आंखों में आंखें डाल के बात करनी चाहिए और पूछ ही लेना चाहिए, हेलो श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, लड़ जाओ, क्यों नहीं भाई, लोगों के तो बहुत सपनों में आते हो और दैया भी उड़ाते हो, लड़ जाओ। श्याम सपनों में आता, मैं जानता हूं मेरी माता बहनें क्रोध नहीं कर पाती हैं, मेरे घर में भी है, आप लोग प्रेम से बुलाए। श्याम सपनों ये प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, आजकल तो शनि भगवान तक को नहीं छोड़ रखा है।
करते थे, आजकल वहां पे भी शुरू हो। और देखिए थोड़ी सी सबसे मिलने में देर सवेर हो जाए तो किसी दरगाह के आगे खड़े हो जाते हैं, अब तो तू ही ले दे बस।
2024 में ठीक है, इनकी 2022 में कृपा कर दे इन पर। इनके लिए कहिए एक बार इन्हें ये पूरा पागल बना आशीर्वाद हो तो हृदय से हो। ब्राह्मण हूं मांग सकता हूं, भिक्षा में ये भी मांग सकता हूं। मुझे मालूम है मेरी एक ही कैसेट सुनने आए हैं, आपको मैं क्या बताऊं। एक कैसेट पर कृपा कर दी ठाकुर ने मुझे, लेकिन संकोच होता है उससे नजरें मिलाने। मैंने एक पूनम दीदी का भजन सुनाया, सुनाओ। तेरे चेहरे में वो जादू है, ये भजन है सुना हाँ जी। लेकिन देखिए मेरे साथ भाई साहब ने आते ही क्या कहा, मैंने बताया मुझे पहली बार बहुत से भक्त सुन रहे हैं, अब घेरा है तो फिर 5 मिनट फिर वही मेरी एक कैसेट रिमाइंड करता हूं मैं। पहले मुझे बहुत रोने गाने की आदत थी, भाई साहब ने एक फरमाइश की थी मुझे, सुन राधिका दुलारी। उस दिन भी मैंने भगवान से सिर्फ दीदार ही चाहा था महाराज। और जो ही मैंने शिकायत सुनाई, आप सब जानते हैं मुझे बहुत सारी तालियों का आशीर्वाद मिला। मेरी पहली रात थी, आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं, उस रात की बात है। बात थी 31 दिसंबर 1999 की रात, जब मुझे तालियां मिली तब मुझे भजन भी नहीं आते थे, मैं मैखाने से सीधा मंदिर में आया था। ये मेरे अनुभव की बात है। मेरी एक दिन में महाराज ने ऐसी नौकरी लगाई, ऐसी कृपा की कि जो ही मैंने शिकायत सुनाई हमें श्याम ना मिला, मुझे जो तालियां मिली, जब तालियां मिली मैंने धन्यवाद के लिए ठाकुर की तरफ नजरें उठाई, और जो ही मैंने नजरें उठाई आपको मेरी हालत दिख रही है कैसी होती जा रही है। तुम पास लगते हो, आपके शहर का ही लिखा हुआ है, मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने फिर एक बार देखा कि नैनों ने नैनों को देखा, हजारों बार देखा है, हजारों बार सजते हो, मगर क्या बात है कान्हा गजब के आज मुलाकात कर ली और रहे दोनों खामोश और बात कर ली। मेरी हालत हो गई, अब बहन बहनों से क्या पूछूं, बेटियों से क्या पूछूं, मेरी हालत हो गई। बता दो भाई जी कि नैन लड़ गई है तो मनवा मां का सखा हुई नहीं। एक सखी अपनी दूसरी सखी से कुछ कह रही है, क्या कह रही है सुनिए।
जनेनन श्याम एक मोहल्ले में ही रहता है अभी भी काम
कितने अच्छे भक्त हैं कलकत्ते के, धन्य हैं धन्य हैं। मैं और शहरों में जाता हूँ, आप मेरे भाइयों को संकोच होता है, आऊंगी जाऊंगी खाने के लिए, लेकिन वाह मेरी मूछो वाली गोपियां वाह वाह धन्य हैं। देखिए इनके चक्कर में एक दिन हमारे भोला भी भोली बन गए थे, भोली, लेकिन भोले बाबा पकड़े गए, इतना लंबा घूमटा निकाल के गए, सोई कन्हैया समझ गए आज कोई नई नई गोपी आई। लेकिन मेरी पक्की गारंटी भगवान ने मुझ गरीब ब्राह्मण पर कृपा करी अपने पुराने बन जाओगे। समय ले लिया है सबका, बड़ों का क्षमा चाहूंगा। मेरी पहली रात और पहली मुलाकात मेरे ठाकुर जी के साथ, मेरे मन में आई क्यों ना मैं भगवान की नजर उतार लूं। अभी नजर कैसे उतारूं? माताएं अपने बच्चों की नजर उतारती हैं, नून राई वार देती हैं, धनी इंसान धन से नजर उतार देते हैं, देखिए काले कैसे नजर उतारना, कुछ नहीं करना पड़ा। जिससे प्रेम हो जाता है उसे कभी कभी कह देते होए होए होए, क्या कह देते, सारी रात आनंद बरसने वाला है, बस अंतिम रचना मेरी बात नहीं। मैं बातें कम करता हूं काम ज्यादा करता हूं। ओ मोटे मोटे ने ननगे तू, ये स्वरूप ही बैठा है मोटे मोटे नैनन के भाई, सभी प्रेमी मिलकर ताली जरूर बजाएं।
ढोलक तबला कॉन्गो भाई सब बजा रहे हैं, पैड बजा रहे हैं। आहा धन्य है आप लोग, एक बार मीठी मीठी ताली बजाइए। आहा जय हो। रखिए
दो लाइन कह जाऊं भगवान कि मुख सूख गया जब रोते हुए तब अमृत ही बरसाया तो क्या, और भवसागर में जब डूब चुका फिर नाव किनारे पे लाया तो क्या। ब्रज लोचन बंद हमारे हुए ये मन निष्ठुर मुस्काया तो क्या, और जब जीवन ही न रहा जग में फिर आके दर्श दिखाया तो क्या। मर जाएंगे फिर आओगे, फिर मुझे तो जरूरत नहीं है, इन भक्तों की तू जान। विश्वास इतना ही रहता है कि दिन उठने वाले जागोगे तुझे आना ही होगा कभी ना कभी, और ये सुंदर दान मुरलिया की सुनाना ही होगा कभी ना। हर कृष्ण ने उलझे दिल को सुलझाना ही होगा कभी ना कभी। कब आएगा कब आएगा, तेरे प्रेम के पागल हो गए हम, तुझे आना ही होगा कभी ना कभी। मुझसे कोई भूल हो गई हो तो श्याम भैया को पकड़िएगा, यही लेकर आते हैं हर साल, मैं मना करता हूँ। नहीं आप बाबा के लाडले हैं इसलिए पैर छू सकता हूँ, मैं तो नालायक बेटा हूँ। आइए, मैंने बहुत समय ले लिया है, क्षमा करो मुझसे। नहीं इतना इतना खून मत पिलवाओ इनका, ऐसे मैं आऊंगा खुद बोलता हूँ। मेरे काम पूरे हो गए, अब काम हो गया। नैनो को भाई हो गया, पांच दिन दोबारा मेरे जीवन का पहला पुष्प। रात थी वही 31 दिसंबर 1999, मुझे आदेश हुआ है दो लाइन कहूंगा। पहली बार गया महाराज को एक शिकायत सुना दी, बचपन से सुन रखा था राधे राधे, तो राधे रानी को एक शिकायत लिख भेजी और सुना डाली खाटू में 31 दिसंबर 1999 की रात। देखिए शिकायत किसी की भी हो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि शिकायत की उसी से जाती है जिससे न्याय की उम्मीद होती है। और आज तो भगवान की शिकायत, कोई शब्द छूट ना जाए। मेरी माता बहनों कितनी अच्छी आदत है, मैं चल रही हूं तू भी चल रही है क्या, वाह खुश हो। शब्द समझ में आ, पुजारी पीड़ा एक ही हमारी, हमें
श्याम नाम है, निराशा झूठा दे गया दिलासा, किसी गैल ना मिला, किसी गांव ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम। सुन राधिका दुलारी, वो इसी समय राधे रानी को एक हाथ उठा के दिखाइए, देख रही हैं वो, देख माँ देख, ये तो सबका है। सुनी अपना जिसे यह कहे हर कोई, उसके लिए मैं भी रोया तू भी रोई। अपना जिसे यहाँ कहे हर कोई, उसके लिए मैं भी रोया तू उसने ऐसा मुख मोड़ा कि हमको कहीं का न छोड़ा, उसकी प्रीत का कोई परिणाम न मिला, हमेशा बोली खाटू नरेश की। अरे प्रेम भैया वहां जाओ।